नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के व्याकरण का शब्द युग्म यह घटक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका हम साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। तो चलिए अब शब्द युग्म की परिभाषा देखते हैं। भाषा में जिन शब्दों का उपयोग प्राय साथ साथ किया जाता है, उन शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे इधर उधर, पीछे पीछे, दिन रात, यह सारे शब्द युग्म के उदाहरण हैं। शब्द युग्म के चार प्रकार होते हैं। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म, दूसरा है विलोम शब्द युग्म, तीसरा प्रकार है सार्थक निरर्थक शब्द के युग्म और आखिरी प्रकार है समानार्थी शब्द युग्म। चलिए इन चारों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द युग्म का अर्थ होता है एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होना, जैसे कि जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, छोटे छोटे, कभी कभी, आगे आगे, बड़े बड़े आदि शब्द पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण है। आप भी ऐसे कुछ उदाहरण जरूर ढूंढिए। अब देखते हैं शब्द युग्म का दूसरा प्रकार, विलोम शब्द युग्म। विलोम शब्द युग्म यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का जोड़ा, जैसे कि ऊपर नीचे, ठंडा गरम, सुबह शाम, अच्छा बुरा, आगे पीछे, अंदर बाहर, ठंडी गर्मी आदि। शब्द युग्म का तीसरा प्रकार है सार्थक निरर्थक शब्दों के युग्म। इस प्रकार में जिन दो शब्दों का प्रयोग होता है उनमें से एक शब्द अर्थपूर्ण होता है और दूसरा शब्द अर्थहीन होता है, जैसे बोलचाल, चाय वाय, लूटपाट, पढ़ाई वढ़ाई, काला कलूटा आदि। यह सार्थक निरर्थक शब्द युग्म के कुछ उदाहरण हैं। अब देखते हैं शब्द युग्म का आखिरी प्रकार, समानार्थी शब्द युग्म। समानार्थी शब्द युग्म यानी ऐसे शब्दों के जोड़े जिनमें दोनों शब्दों के अर्थ समान होते हैं, जैसे साधु संत, जीव जंतु, धन संपत्ति, मारना पीटना, कामकाज आदि समानार्थी शब्द युग्म के उदाहरण थे। तो इस तरह इस वीडियो में हमने शब्द युग्म इस घटक के बारे में पढ़ाई की।